गाइस मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा महसूस दे रहा है। गर्मी भी और चढ़ाई भी, हालत देख सकते हैं, चेहरा भी पूरा लाल हो गया प्रॉपर। तो इधर इनकी हालत आप देख ही सकते हैं, ऊपर लड़ी ऊपर। ये मतलब पहले आए हुए लोग हैं, ये मतलब मेरे से भी गए भाई, मैं पहली बार आ रहा हूँ। तब तो भी तो का बाप हो गया। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम जाने वाले एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, जो वहाँ की लोकेशन है बहुत ऊंचाई पे है। और हम आज उस साइड पे जाएंगे जिस लोकेशन पे मतलब चढ़ने से भी सब लोग घबराते हैं, हम आ जाएंगे उस लोकेशन पे। तो बने रहना वीडियो में, तब मैं जल्दी हो जा रहा हूँ रेडी, मिलते हैं वीडियो के। दोस्तों हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी और चलते हैं अपनी लोकेशन पे आपको लेके। इसलिए हमने सुभान भाई को बुलाया है, इन पे भाई थोड़ी अच्छी चलाते हैं, पहाड़ों के रास्ता है। भाई अपनी कुछ राइडिंग के बारे में बताओ आप। अभी भाई मत पूछो कुछ, अभी खतरा रहे हैं, बाइक चल नहीं रही अभी। तो भाई मतलब रास्ता तो इतना भयंकर है ना। तो भाई इधर का जो लोकेशन है पीछे का भी आप देख ही सकते हैं। और दूसरी बात देखो भाई, चार बंदे, एक दो तीन चार, चार बंदे हद है यार। कुछ भी मतलब एक बाइक की जान निकालने को, मतलब मेरी बाइक क्या, क्योंकि इनके पास की बाइक चलाना नहीं है। और मैं बाइक चलाऊंगा क्योंकि मैं राइडर हूँ, उसको पता है यहाँ पे बाइक कैसे चलेगी। आपने रोड देख लिया, निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भाई ये तो रास्ता बहुत भयंकर है, मतलब कुछ भी पिट देख के नाली में आती है। अल्लाह 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 बेचारा लालो बेटा, सफर में मतलब चार बंदे बैठे थे, महसूस हुआ थकावट सी कुछ, तो हमने अभी बाइक लगा दी साइड में और थोड़ा मतलब आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से हम डेढ़ घंटे से चला हुए। तो अभी का जो भी ये हमारे राइडर भाई है, मतलब तो कैसे हो आप सब? आई हो तो दोस्तों, मेंटर होने वाले हैं यूके, उत्तराखंड मेंटर होने वाले हैं जस्ट ही। तो ये यूपी और उत्तराखंड की सीमा है यहीं पे, और हम आपको दिखा दें हम उत्तराखंड वाला वो पेटते, मतलब कुछ भी देख जगह भाई, मतलब हद है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये जो नदी आती है वो जंगल के रास्ते से, ये आप यहाँ से देख ही सकते हैं, मतलब इसका यहाँ से मुँह खुला हुआ है। और आप आगे देखने वाले, आगे सब पूरा का पूरा बंद है जंगल की, मतलब उस पहाड़ी के नीचे से नदी आएगी। आगे का जो व्यू है हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से अब बंद है। अब आगे देखो कितना बड़ा पहाड़ है, इसके नीचे से पानी आ रहा है। ये व्यू देख लिया आप, मतलब इधर से निकाल, इधर से भाई। तो ये व्यू आप देख ही सकते हैं दोस्तों, व्यू का तो मज़ा फुल आ रहा है। ऊपर इस पहाड़ के नीचे से जा रही है भाई, तो पहाड़ी सोच है भाई, मतलब गिर दिया मत हो भाई, मत यार गाइस, मतलब यार रोड देखो आप, कितना भयंकर रोड है यार, मतलब कुछ भी आज मतलब नहीं, सुभान भाई हमारे पास होते तो क्या होता। हाँ, में सोचो यार, सुभान भाई राइडर व्यू दिखाने वाला, व्यू देखना आप कितना मस्त है, कितना मैजिक व्यू है। और बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गजब व्यू आ रहा है अभी अभी जो आप पीछे व्यू देखने वाले। तो भाई व्यू देखो कितना मस्त, ओ भाई मतलब व्यू, हाइट यहाँ से कितनी होगी भाई, हाइट भी बताना, मतलब डर लग रहा है भाई लिटरली देख के। और ये देखो व्यू, ओ भाई यहाँ का जो व्यू था हमने आपको दिखाया। आप चलते हैं अपनी लोकेशन, जिसकी लोकेशन के लिए हम आपको बहुत देर से वेट करा रहे, तब उस लोकेशन पे चलते हैं। वो यहाँ से अभी 5 किलोमीटर दूर हो, तो हम चलते हैं बाकी हम अभी। दोस्तों जो है वो नदी है, ये वो नदी है, और ये नदी जो आप देख रहे हैं उस पहाड़ के नीचे से निकल रही है। तो पहाड़ देख ही सकते हैं आप, उसके नीचे से नीचे जा रही है। तो ये इसका आगे पुल भी है, और यही वो नदी है जिसकी हम बात पीछे आपको बताया था। तो ये वही पुल है, और इसके नीचे से नदी निकल रही है और पहाड़ के नीचे से जा रही है भाई। इतना बड़ा पहाड़ है देखो कि, लोकेशन
स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, ऊपर का जो रास्ता है वो भी दिखाएंगे। मतलब हाइट इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, तो वीडियो में बन रहे ना, चलते हैं ऊपर की साइड। मतलब बहुत हाइट है ऊपर, अभी तो हम तीन पैड़ी चढ़े हैं, तो ऊपर का नज़ारा तो देखते हैं। लेकिन फिक्र मत करो आप, अभी सांस तो चढ़ा नहीं, ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन होने वाला। तो मतलब आप व्यू देख ही सकते हैं, कितना मस्त व्यू आ रहा है देखो। तो फाइनली गाइस हम तो गए अपनी, तो मैं आधे रात आधे रास्ते में गया था भाई यार पानी तो पानी वाला सीन अभी तो सुभान भाई की तो हालत खराब होगी। और अभी मतलब साथ तो मुझे भी चढ़ी है थोड़ा ऊपर, हम आधे रास्ता भी नहीं तय किया और हालत इतनी खराब होगी ना, मतलब पसीने में सारे कपड़े तर हो चुके हैं। तो पीछे का व्यू तो आप देख रहे हैं, मतलब हाइट भी देख रहे हैं कितनी हाइट होगी ऊपर से। तो व्यू अभी जो ज़्यादा धंस हुए हैं, तो बने रहना, ऊपर का भी सब सीन दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट कोई बात नहीं, फिर भी आप ये अभी तो अभी मुर्दों का मुर्दों का जो व्यू आ रहा है ना वो अभी बहुत ज़्यादा है, गाल देख सकते हैं आप मुर्दा तो गाइस मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा महसूस दे रहा है, गर्मी भी और चढ़ाई भी। हालत देख सकते हैं, चेहरा भी पूरा लाल हो गया ऊपर। तो इधर इनकी हालत आप देख ही सकते हैं ऊपर, मेरे लड़ी ऊपर ये मतलब पहले आए हुए लोग हैं, ये मतलब मेरे से भी गए भाई, मैं पहली बार आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा ऊपर का जो आप ग्राउंड देख रहे हैं वो तो थोड़ा ऊपर ही, बट नीचे जो देख रहे हैं ना वो देखो ग्राउंड कितनी नीचे है। तो हाइट इतनी है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2000 फीट के आसपास होगी। और अलग अब देख ही सकते हैं हालत कैसी होगी, लाल हो गया चेहरा भी ना पूरा पूरा फेस, और नीचे का जो इधर हिमाचल दिख रहा है पूरा पाउटा। वैसे हम आ चुके हैं बाबा भूरे साहब, तो ये पीर की हाइट बहुत ऊँचाई है, तो हम आ चुके हैं साइड में, हमने इनका हासिल कर लिया। आज का ब्लॉग बहुत मतलब हमारे लिए, खून निकाल दियो देखो मतलब बिल्कुल लाल। तो आपने जो देखा वो पीर हम यहाँ पे एक दर के हैं बाबा भोरे वाला। तो हम यहाँ पे आज आए थे, यहाँ की लोकेशन हम आपको दिखाई दी, मतलब चढ़ने में भाई इतना ज़्यादा आज बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, गर्मी कुछ ज़्यादा ही। तो दोस्त हम आ चुके हैं बिल्कुल नीचे जहाँ से हम गए थे, वहाँ का जो मतलब हालत जो इतनी ख़राब होगी ना बता नहीं सकते। ऊपर का जो नज़ारा देख रहे हैं आप, हम ऊपर उस जगह गए थे ऊपर वाली जो आपको दिख रही होगी, इतने ऊंचे ऊपर वो देखो जो ऊपर दिख रहा है दीवार ऊपर, तो गाइस बहुत हाइट। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और हालत आपने देखी थी कितनी ख़राब हालत हो गई थी, क्योंकि वहां पे ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, इसलिए मौसम भी बहुत मतलब गर्मी वाला हो रहा था, धूप भी थी तेज़, चेहरा आपने देखा कैसे चेहरा हो रहा था बिल्कुल खून निकलने वाला हो रहा था चेहरा। तो भाई मतलब बहुत ही मेहनत लगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टुटते तारे नहीं, रेहानी होने एतबार सोने।